हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल हैशटैग गेमिंग मम्मी। अभी सुबह के 10:55 हो रहे हैं और आज है 5 जुलाई 2020। आज लूनर एक्लिप्स है, यानी कि साल का तीसरा चंद्र ग्रहण, जो कि इंडिया में विजिबल नहीं है। ये पिनम्ब्रल है और ये सुबह 8:35 AM से शुरू हुआ और ये 11:20 पे खत्म होगा। तो इस पे सूतक काल नहीं माना जाएगा, यानी कि आप भोजन से रिलेटेड चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या बोलते हैं हम पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन जो पूजा पंडित वाले लोग हैं वो लोग शायद इसको थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे, नॉर्मल गृहस्थ परिवार के जो लोग हैं वो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो हमने भी इसको फॉलो नहीं किया है। तो आज मैंने सुबह मसाला डोसा बनाया था दोस्तों, लेकिन मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। अगर आप मुझे कमेंट डाउन करके बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसको किस तरीके से बनाया था। तो अब इस निगम में आ गई एक नया वीडियो लेके आपके पास। तो आज का जो वीडियो है, स्किन को किस तरीके से इन गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले उनकी स्किन बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, तो किस तरीके से हम अपनी स्किन को हाइड्रेट करेंगे और स्किन में बहुत ज़्यादा डेड पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, तो इसको हम किस तरीके से क्लीन करेंगे कि हमारे चेहरे के जो रोम छिद्र है वो खुल भी जाए, चेहरा ग्लोई लगे, ड्यूई लगे, नेचुरली और हेल्दी भी, रेडियंट भी बनी रहे। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगी दोस्तों, जो आप हफ्ते में 2 बार आप नहाते समय इस्तेमाल कीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो वो है जब आप फेस वॉश कर लेते हैं किसी भी माइल्ड क्लेंजर की सहायता से या फेस वॉश की सहायता से, तो उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छा सा माइल्ड सा स्क्रब इस्तेमाल करें। ये जो स्क्रब मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये आप फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फुल आपके बॉडी पॉलिशिंग का भी ये काम करेगा। तो ये जो मैं इतनी देर से आपको बोल रही हूँ, तो ये जो स्क्रब मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये जो फेस स्क्रब है ये भीमसेनी उपटन है। ये उपटन आपको पता है जो बेसन और चावल का आटा इन सबसे मिला के बना जाता है। ये हमें नॉर्मली हमें कुछ बनाना नहीं, सिर्फ इसमें मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये भीमसेनी उपटन है विद केसर एंड केसर ब्लेंडेड, मैंने इसमें रियल केसर की जो भस्म है वो इसमें शामिल की गई है। तो इसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपकी स्किन जो है वो रेडियंट बनी रहे, ग्लोई रहे, बिल्कुल मेलानिन फॉर्मेशन ना हो, सीबम फॉर्मेशन ना हो पाए, तो किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों मैं बताती हूँ। ये इसकी शेल्फ लाइफ 2-3 साल की है, 2019 मई में बना है दोस्तों, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो अप्रैल 2022 तक की है। ये 100 ग्राम के डब्बे में आता है, ये डब्बा खत्म होने के बाद भी आप इसको किसी तरीके से भी धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं आप इसमें। इसकी जो कीमत है 115 रुपये है दोस्तों, ये आप अमेजोन से ले सकते हैं। और ये आयुर्वेदिक एंटी एक्ने फेस पैक भी है। बहुत ज़्यादा गर्मियों में एक्ने हो जाता है क्योंकि ऑयली होता है, हमारे क्लॉग्ड हो जाते हैं पोर्स वगैरह, तो ये केसर उपटन वाला है। तो इसमें क्या है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन स्पेशली डेवलप्ड फॉर स्कार, जो दाग धब्बे हमारे चेहरे पे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने, फ्रिकल्स, जो झाइयाँ हो जाती हैं। इट डीपली क्लेंजेस द स्किन एंड रिमूव द डेड सेल्स, देयर बाय इंप्रूविंग द स्किन टेक्सचर। इट ब्रिंग्स बैक नेचुरल ग्लो ऑफ द स्किन, मेकिंग यू लुक मोर ब्यूटिफुल एंड मोर फेयर। और हमें क्या ही चाहिए, तो इसको इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ। ये 100% नेचुरल और हर्बल है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपके स्किन को हार्म करेगा या केमिकली ब्लेंडेड है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, इस सबसे पहला चीज़ जो इसमें दिया गया है दोस्तों वो है केसर यानी कि सैफ्रन, जिसकी कीमत आप जानते हैं जो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा इसमें रोज पेटल्स यानी कि गुलाब की पंखुड़ियों को सुखवा के उसका पाउडर किया गया है। तीसरा रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन, जो आपको पता है चेहरे के लिए कितने, मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था दोस्तों जिसमें मैंने सैंडलवुड फेस पैक लगाया था। और फिर ऑरेंज पील यानी कि संतरे के छिलके का पाउडर है इसमें दोस्तों। वाइल्ड टर्मरिक यानी कस्तूरी हल्दी यानी अम्बा हल्दी इसमें 10% है। मार्गोसा ट्री एक्सट्रैक्ट है 8%। व्हाइट सैंडलवुड यानी कि सफेद चंदन है इसमें दोस्तों 10%। इंडियन वॉलनट अखरोट को पीस के डाला गया है इसमें दोस्तों। विंटर चेरी 5% है। आमलकी यानी कि बंगाली में आंवला को यानी कि गूसबेरी को आमलकी बोलते हैं, वो है। आमलकी विटामिन सी में बहुत ज्यादा एनरिच रहता है, वो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। विभितिका हरितिकी 7% ईच। इंडियन लैबरनम 5% एंड लेंटिल्स मसूर की दाल, आपको पता है चेहरे के लिए कितना अच्छा होता है। एंड काओलिन पाउडर यानी कि मुल्तानी मिट्टी और लिकोरिस पाउडर यानी कि मुलेटी पाउडर इसमें है। तो आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ।
मिक्स विद वाटर और मिल्क टू मेक अ पेस्ट, अप्लाई ऑन बॉडी एंड फेस, वॉश अप एंड ड्राई फॉर बेस्ट रिजल्ट, मिल्क मिक्स विद कुकुम्बर जूस। तो जो ऑयली स्किन है वो इसको कुकुम्बर जूस, हनी या रोज वाटर से इस्तेमाल करके एक पतला सा मिक्स बना के अपने पूरे चेहरे पे लगा लीजिए, अपने बॉडी पे, अपने हाथों पे, जहाँ पे भी आपको लगाना है वहाँ लगा लीजिए, तो आपको हेल्प करेगा। और जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, वो चाहे तो क्रीम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल बॉयल किया हुआ ठंडा किया हुआ दूध भी इसे मिला के एक डेढ़ चम्मच जितना आपको जरूरत हो उसको मिला के थिक सा पेस्ट बना के हनी मिलाइएगा। ये हनी में जो होता है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, तो आपके चेहरे को वो बहुत ज्यादा लाइटन ब्राइटन और ग्लोई बनाएगा, वो आप इसमें मिला सकते हैं। तो मैं आपको ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों, भीम सैनी उपटन केसर ब्लेंडेड देख लीजिए, इस तरीके से राउंड बॉटल में आता है, प्लास्टिक बॉटल गिरने से भी कोई दिक्कत नहीं, और ये पाउडर फॉर्म में आता है, 100 ग्राम का क्वांटिटी 115 रुपए दोस्तों। अब मैं अभी आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से अंदर से दिखता है। देखिए ये नोजल वाला से खुल जाएगा, इसके अंदर हमें एक लिड मिलता है, खुशबू बहुत ही कमाल की दोस्तों इसमें। ये देखिए मैंने अभी तक 2-3 बार इसको इस्तेमाल किया है, ये पूरा भरा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से पाउडर फॉर्म में है ये। आप इसको चाहे तो एज अ स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो उसको एज अ फेस पैक भी, क्योंकि उपटन है तो उसका फेस पैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट आपको इसको सर्कुलर मोशन में, बहुत ज्यादा हार्शली नहीं, जेंटली आपको इसको एक्सफोलिएट करना है, और 2 मिनट के बाद ठंडे पानी से अपना मुंह धो लीजिए एंड यू आर ऑल सेट टू गो। उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा रोज वाटर, कुकुम्बर वाटर, कोई भी मिस्ट वगैरह लगा लीजिए, उसके बाद आपका पूरा एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। देखिए कितना अच्छा है, गुलाब की पंखुड़ियों का और इसमें लेमन और ऑरेंज पील पाउडर का और चंदन का इतना अच्छा खुशबू आ रहा है दोस्तों। उसके बाद जब आपका इस्तेमाल हो जाए, एक चम्मच से लीजिए और इस तरीके से इसके व्हाइट नोजल को लगा के ढक्कन बंद करके यूं रख लीजिए। मैं एक दिन आपको इसके ऊपर, मैंने आज इसका रिव्यू और डेमो आपको मैंने करके दिखाया, रिव्यू करके बताया दोस्तों, और मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके रिक्वेस्टेड वीडियो पे इसको आपको अपने चेहरे के ऊपर ब्लेंड करके भी लगा के दिखाऊंगी। तो आप बताइएगा दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप अमेजोन की साइट में जाइए, भीम सैनी उपटन केसर ब्लेंडेड वाला टाइप कीजिए, और इसको मेरे कहे अनुसार एक बार परचेज करके देखिए। ज्यादा कीमत नहीं दोस्तों, अभी लॉकडाउन में ऑफ चल रहा है, तो 115 रुपए की जगह आपको 100 रुपए मिल जाए। एक बार ट्राई कीजिए, गिव इट अ ट्राई वंस, यू विल डेफिनेटली लव इट दोस्तों। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, और मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको ये मेरा जो रिव्यू है वो कैसा लगा, और मेरा आज का ये मेकअप आपको कैसा लगा। अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसको क्रिएट करके आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू, सी यू, चाओ, शबा खैर।